हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमिता नर्सिंग क्लासेस। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को एनम सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी, जो मिडवाइफरी सब्जेक्ट होता है एनम सेकेंड ईयर का, उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगी। ये जो होता है थियरी पार्ट जो होता है 200 आवर्स का होता है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है 160 आवर्स का होता है। टोटल यानी 360 आवर्स में कम्प्लीट करने होते हैं मिडवाइफरी। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप लोग वन बाय वन करके देख सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इसमें दिए हुए हैं। सारे यानी 16 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। जो इसमें फर्स्ट यूनिट होता है मिडवाइफरी का, फर्स्ट यूनिट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन, यानी जो ये जितने भी पॉइंट्स हैं फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं। सेकेंड यूनिट इज, जो सेकेंड यूनिट होता है इसमें दिया है फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल, इसमें क्या पढ़ने होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक बोन्स, टाइप्स ऑफ पेल्विस। नेक्स्ट पॉइंट पेल्विस डायमीटर क्या है, मसल्स एंड लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक फ्लोर। नेक्स्ट पॉइंट फीटल स्कल, जिसमें फीटल स्कल में क्या पढ़ने होते हैं, बोन्स, डायमीटर, सूचर, साइज, शेप, मॉडलिंग क्या है, स्कल एरिया, स्पॉन्टेनस, यानी जितने भी ये पॉइंट्स हैं सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स हैं। थर्ड यूनिट जो थर्ड यूनिट है इसमें पढ़ने होते हैं फीटस एंड प्लेसेंटा। ये जो टॉपिक्स है फीटस क्या है, प्लेसेंटा क्या, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इसमें दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटल सैक एंड एमनियोटिक फ्लूड एंड फीटल सर्कुलेशन एंड चेंजेस आफ्टर बर्थ, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एबनॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया रेफर SBA मॉड्यूल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो पॉइंट्स है सारे यूनिट्स में ये दिया हुआ है, ये सारे यूनिट्स में पढ़ने होते हैं। फोर्थ यूनिट जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इसमें दिया है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इसमें दिया है माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या माइनर एलिमेंट्स होते हैं और उसके क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं, इसके बारे में स्टडी करने होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट्स दिया है फर्स्ट यूनिट में भी आते हैं। फिफ्थ यूनिट इज जो दिया है एंटीनेटल केयर, मेन टॉपिक है एंटीनेटल केयर में क्या क्या पढ़ने होते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है रजिस्ट्रेशन क्या है। नेक्स्ट इज टेकिंग हिस्ट्री ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन रूटीन एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन क्या होता है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं फिफ्थ यूनिट के टॉपिक्स हैं। अभी ये जो जितने भी पॉइंट्स थे फिफ्थ यूनिट के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, तो जिसमें फर्स्ट दिया है इसमें फिफ्थ यूनिट के टॉपिक्स हैं नीड बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, स्पेशल नीड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हस्बैंड एंड फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क केसेस एंड रेफरल। नेक्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ मदर फॉर डिलीवरी। ये जितने भी टॉपिक्स थे फिफ्थ यूनिट के टॉपिक्स हैं। सिक्स यूनिट जो है इसमें दिया है नॉर्मल लेबर क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। फर्स्ट दिया है ऑनसेट एंड स्टेजेस ऑफ लेबर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट चेंजेस इन यूट्राइन मसल्स एंड सर्विक्स। नेक्स्ट पॉइंट लाई एटीट्यूड पोजीशन क्या है, डिनोमिनेटर क्या है एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। नेक्स्ट पॉइंट इज फीटल स्कल क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। नेक्स्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क केसेस। नेक्स्ट इसमें दिया है फीटल डिस्ट्रेस एंड मैटरनल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट पॉइंट इज
पार्टोग्राफ इन द मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल लेबर। नेक्स्ट इसमें दिया पॉइंट्स रोल ऑफ एनम फीमेल हेल्थ वर्कर एंड रेफरल। ये पॉइंट्स रेफर SBA मॉड्यूल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट इसमें सेवेंथ यूनिट है, सेवेंथ यूनिट क्या है, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। जिसमें पॉइंट्स है फर्स्ट इसमें दिया हिस्ट्री ऑफ लेबर। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ 5 CS क्या है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ लेबर विद पार्टोग्राफ, प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट पॉइंट केयर ऑफ मदर इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, असिस्ट एंड कंडक्ट चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बर्न, रिसस्टेशन, अपगार स्कोर, कॉर्ड केयर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीटोसिन, मीजोप्रोस्टॉल ड्रग्स, डोज, रूट इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यानी ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ने होते हैं, मीजोप्रोस्टॉल क्या है, जिसकी डोज क्या है, रूट क्या है, एंड किस कंडीशन में देते हैं, और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेवेंथ यूनिट का ये टॉपिक्स है, एक्शन, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनम FSW। यानी जो मीजोप्रोस्टॉल है या ऑक्सीटोसिन है, इसकी एक्शन पढ़ने होते, साइड इफेक्ट क्या है, प्रिकॉशन क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एनम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट पॉइंट इज केयर ऑफ मदर इन थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ टीयर एंड अप्रोप्रिएट केयर एंड रेफरल। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट इज बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट पॉइंट जो है रिकॉर्ड चाइल्ड बर्थ एंड इंश्योर बर्थ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट ये सारे यूनिट्स में टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो कि 8 यूनिट है, नॉर्मल प्यूपेरियम क्या है, इसमें पढ़ने होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट नेटल असेसमेंट, माइनर एलिमेंट्स क्या है ड्यूरिंग प्यूपेरियम एंड देयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है केयर ऑफ मदर, डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, हाइजीन। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन। नेक्स्ट इज स्पेशल नीड्स ऑफ पोस्ट नेटल वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड बेस्ड हेल्थ एजुकेशन। ये जितने भी टॉपिक्स थे ये यूनिट में आते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज 9 यूनिट, जो 9 यूनिट होता है इसमें पढ़ने होते केयर ऑफ न्यू बर्न, जिसमें पढ़ने होते हैं असेसमेंट ऑफ न्यू बर्न फॉर जेस्टेशन, एज, रिस्क स्टेटस एंड एबनॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट न्यूनेटल रिसेस्टेशन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन एंड बर्थ वेट, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल न्यू बर्न एंड कॉमन माइनर डिसऑर्डर्स। यानी जो न्यू बर्न में माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट टेम्परेचर मेंटेनेंस, कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यूनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें दिया है केयर ऑफ न्यू बर्न, जिसमें पढ़ने होते हैं जॉन्डिस क्या है, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट एजुकेटिंग मदर टू लुक आफ्टर बेबीज। नेक्स्ट इसमें दिया इंटीग्रेट एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ऑफ आयुष। नेक्स्ट ये सारे पॉइंट सारे यूनिट में पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है 10th यूनिट, इसमें क्या टॉपिक्स, इसमें हाई रिस्क न्यू बर्न, इसमें सारे ये टॉपिक्स दिए हैं। फर्स्ट दिया है प्री टर्म लो बर्थ वेट बेबीज, स्पेशल नीड्स ऑफ हाई रिस्क बेबीज। नेक्स्ट पॉइंट इज केयर एट होम, रेफरल एंड फॉलो अप। नेक्स्ट पॉइंट केयर ड्यूरिंग एस्फाइसिया, कन्वल्जन्स, वोमिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट केयर फॉर थ्रस, कॉर्ड सेप्सिस, डायरिया। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है
इम्प्लीमेंटेशन IMNCI प्रोटोकॉल क्या है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे 10th यूनिट के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है 11th यूनिट, इसमें पढ़ने होते सेफ मदरहुड। जो 11th यूनिट होता है सेफ मदरहुड है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट एंड कॉजेस ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, सेफ मदरहुड कंपोनेंट्स जिसमें पढ़ने होते RCH क्या है एंड NRHM क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एन ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर। जो 12th यूनिट है उसमें पढ़ने होते हैं 12th यूनिट में हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसमें टॉपिक्स है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आइडेंटिफिकेशन रिस्क फैक्टर, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, रेफरल एंड फॉलो अप, काउंसलिंग एंड गाइडेंस अबाउट हाई रिस्क कंडीशन। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हस्बैंड एंड फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट रोल ऑफ एनम फीमेल हेल्थ वर्कर। जो 13 यूनिट है इसमें है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी। तो नेक्स्ट यूनिट जो है 13 यूनिट एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें पॉइंट्स हैं, इसमें आप लोग वन बाय वन करके देख सकते हैं क्या क्या 13 यूनिट में टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं 13 यूनिट्स में आते हैं 13 में, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग वन बाय वन करके देख सकते हैं क्या क्या पढ़ने होते हैं। ये भी 13 यूनिट में ही आएगा टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स को आप लोग वन बाय वन करके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है 14, इसमें पढ़ने होते एबॉर्शन। एबॉर्शन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, कॉजेस। नेक्स्ट इसमें दिया पॉइंट्स सारे, कॉम्प्लिकेशन क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या है, केयर ऑफ वुमेन हु हैड एबॉर्शन, रोल ऑफ एनम, ये सारे 14 यूनिट के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इसमें दिया 15 यूनिट में एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ, जिसमें पढ़ने होते हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग वन बाय वन करके देख सकते हैं। सिक्सटीन जो यूनिट है इसमें है एबनॉर्मल प्यूपेरियम क्या है, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। ये भी 16 यूनिट्स के ही पॉइंट्स हैं। थोड़ा ये जो मिडवाइफरी का सब्जेक्ट होता है सिलेबस थोड़ा लंबा होता है। 17 यूनिट इज सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है, फर्स्ट इसमें सारे पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट इसमें दिया 18 जो यूनिट होता है, 18 यूनिट इज मेडिकेशन यूज्ड इन मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में क्या क्या मेडिकेशन यूज करते हैं, पेन रिलीविंग ड्रग्स, एनेस्थेटिक ड्रग्स फॉर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट इज फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग के लिए, फॉर प्रिवेंटिंग पोस्टनेटल इन्फेक्शन, फॉर प्रिवेंटिंग एक्लेम्सिया क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, IV फ्लूइड्स क्या है, रोल ऑफ एनम फीमेल हेल्थ वर्कर। 19 यूनिट इज लाइफ साइकिल अप्रोच, जिसमें पढ़ने होते क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट पीपल ऑफ हेल्थ, रोल ऑफ एजुकेशन, होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। 20 यूनिट जो है, 20 यूनिट इज स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट, जिसमें है स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। नेक्स्ट इसमें दिया है फैक्टर्स। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशन रिलेशनशिप। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वुमेन हेल्थ इन कम्युनिटी। नेक्स्ट इज लॉ रिलेटेड वुमेन प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ये जितने भी पॉइंट्स थे सारे 20 यूनिट के टॉपिक्स थे। नेक्स्ट यूनिट जो कि 21 है, इसमें पढ़ने होते हैं वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। फर्स्ट इसमें दिया कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, BVF, RVF क्या है, प्रोलैप्स एंड इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज जो कि है
सर्वाइकल इरोजन्स एंड ल्यूकोरिया क्या है, प्यूराइटिस क्या है, कैंसर सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट, पैप स्मीयर फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर सर्विक्स, ट्यूमर्स फाइब्रॉइड्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेनोपॉज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ये जितने भी पॉइंट्स थे 21 के यूनिट के टॉपिक्स थे। नेक्स्ट यूनिट इज 22 जो कि है आरटीएस एंड एसटीआईएस क्या है, इसमें पढ़ने होते हैं कॉजेस एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एसटीआईएस एंड आरटीआईएस। नेक्स्ट इसमें है सिंड्रोमिक अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज रेफरल ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केयर, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट यूनिट इज 23 जो है HIV एड्स क्या है, इसमें पढ़ने होते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी एंड साइन एंड सिम्टम्स, द एड्स पेशेंट कम्युनिटी सपोर्ट एंड होम केयर काउंसलिंग, काउंसलिंग प्रोसेस एंड टेक्निक, काउंसलिंग ऑफ HIV, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज केयर कॉन्टिन्यूम एंड एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, प्रोफाइलेक्सिस एंड ब्रेस्ट फीडिंग गाइडेंस। ये जितने भी पॉइंट्स थे 23 यूनिट्स के टॉपिक्स थे। नेक्स्ट यूनिट इज 24 जो कि है इनफर्टिलिटी, इसमें क्या है क्लासिफिकेशन एंड कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कपल्स, काउंसलिंग, रेफरल एंड फॉलो अप, रोल ऑफ एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर। 25 जो है पॉपुलेशन एजुकेशन, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, वाइटल स्टैटिक्स, बर्थ एंड डेथ रेट्स, ग्रोथ रेट NRR, फर्टिलिटी रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट, फैमिली साइज, नेशनल फैमिली प्रोग्राम्स, ट्रेंड्स एंड चेंजेस, RCS फर्स्ट, RCS सेकेंड प्रोग्राम एंड NRHM। नेक्स्ट इज टारगेट फ्री अप्रोच फॉर FW। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मास मीडिया एंड ICE, रोल ऑफ ANM हेल्थ वर्कर। ये जितने भी पॉइंट्स थे 25 के थे। नेक्स्ट यूनिट इज 26 जो कि है फैमिली वेलफेयर, जिसमें क्या क्या है टॉपिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल कपल एंड दोज नीड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ च्वाइस, नेचुरल एंड टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट मेथड, न्यू मेथड नॉर प्लांट एंड इंजेक्टेबल्स। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट जो दिया है फॉलो अप कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स, काउंसलिंग, रोल ऑफ ANM फीमेल हेल्थ वर्कर। यानी जो मिडवाइफरी का सब्जेक्ट होता है ANM सेकेंड ईयर का, इसमें टोटल 1 से लेकर 26 यूनिट होते हैं। ये सारे जो मिडवाइफरी ही बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट होता है ANM सेकेंड ईयर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।